हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यूके का जो वीज़ा अप्रूव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, उसके प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू मिस सालाटी जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये रहने वाले महाराष्ट्र मुंबई के हैं और इनका वीज़ा जो है आज अप्रूव होके आ गया है, मतलब कल अप्रूव हुआ था, आज इनको पासपोर्ट रिसीव हो गया है। बॉम्बे में ये अप्लाई हुआ था ये वीज़ा। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इनकी जो प्रोफाइल है, क्या इनका प्रोफाइल था, इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लास्ट तक जरूर आप इस वीडियो को देखना। अगर आपका भी प्रोफाइल जेन्युइन है, सब कुछ है, ठीक है, तो आप भी यूके का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करो। यूके इस समय वीज़े अच्छे दे रहा है, नो डाउट, बहुत लोगों के वीज़े अप्रूव हो रहे हैं। तो आप भी वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं यूके का, तो अप्लाई कर लो। अगर आपका प्रोफाइल जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है आपका, वो उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, और इस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलना, आपका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी नेक्स्ट वीडियो कोई भी डालूंगा। तो फ्रेंड्स, मिस सालाटी जिनका ये वीज़ा यूके का अप्रूव हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं मेरे जो मैंने जो कम्युनिटी जो मैंने कम्युनिटी टैब पर भी इसकी फ़ोटो डाली है, जो कि 20 दिनों में ये वीज़ा वैसे अप्रूव हुआ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। और जो मेरे क्या चैनल इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें भी मैंने फ़ोटो लगा रखी है। तो 20 दिनों में इनका ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इनका इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी नहीं ज़्यादा, मतलब एक कंट्री की सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी, जो कि ये 2018 में सऊदी अरब गए थे और अपने रिलीजियस ट्रिप आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर वो गए थे 2018 में। उसके बाद इन्होंने कहीं पर भी ट्रिप नहीं की, कहीं की भी ट्रिप नहीं की इन्होंने। और उल्टा इनका एक बारी अभी 2022 में इनका टर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, स्टूडेंट वीज़ा। और उसकी आप मान लो कि उसकी पासपोर्ट पर आपको पता है कि टर्की जो है वीज़ा जब रिफ्यूज़ होता है तो एक स्टैम्प मार देता है, तो रिफ्यूज़ल की स्टैम्प भी इनके पासपोर्ट पर थी, तब भी इनका वीज़ा जो है यूके का अप्रूव हुआ। इससे पहले भी 6-7 महीने पहले भी एक लड़का था, उनका भी वीज़ा टर्की का रिफ्यूज़ हुआ था, बट वो सिर्फ दुबई ट्रैवल थे, उनका भी वीज़ा यूके का अप्रूव हुआ था और वो घूम फिर के अपना यूके से आ चुके हैं इंडिया में। कहने का मतलब है कि आप ज़रूरी नहीं है आपके बहुत सारी यूके के लिए 5-7 कंट्री ट्रैवल्ड हो या बड़ी अच्छी और भी बड़ी बड़ी कंट्री ट्रैवल्ड हो तभी यूके वीज़ा देगा। यूके वीज़ा बड़ी बड़ी कंट्री वीज़ा फिर भी दे देती हैं, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये कंट्रीज वीज़ा फिर भी दे देती हैं, खासकर यूके इसमें। तो बस यही है कि वो यही देखते हैं कि आपके काम की इंगेजमेंट, आपके काम में इंगेजमेंट क्या है, कैसे वो आप जो है आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन चल रही है, आपका ITR के साथ क्या, मतलब सारी चीज़ें आपकी साथ उसके साथ मैच हो रही हैं या मिस मैच हो रही हैं, तो वो चीज़ें बहुत ये लोग देखते हैं यूके वाले। तो फ्रेंड्स, आप अगर जेन्युइन ट्रैवलर हो या आप जेन्युइनली मतलब इस चीज़ को अपना वीज़ा लेना चाहते हो यूके का, और सब कुछ जेन्युइनली दिखा रहे हो, अपना अकाउंट और ITR ये सब कुछ आपका सब कुछ जेन्युइन है, तो आप वीज़ा यूके का ज़रूर करो अप्लाई, आपके आने के बहुत चांसेस होंगे, ठीक है। तो इनके मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ, इनका प्रोफाइल था क्या, ये एक्चुअली एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इनका अपना भी क्लिनिक भी है आप कह सकते हो, और इन ये जो है हॉस्पिटल में विजिट्स भी करती थी, मतलब विजिट भी देती थी, मतलब करती थी कि जब भी इनको मतलब हॉस्पिटल से जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती थी, इनको जब भी कॉल आती थी तो ये कॉल पर जाती थी। और उसे क्या बोलते हैं जब कोई मतलब एक तो हो गया ना जॉब के अलावा फ्रीलांसर शायद उसे बोलते हैं, तो एक हिसाब से वो फ्रीलांसर वाला ही काम था, एक तो वो था, दूसरा इनका इनका अपना क्लिनिक था। तो इनको ये वीज़ा मिला है, मतलब इनका अकाउंट में अच्छा मेंटेन था, मतलब आप मान के चलो 5+ था, 5 लाख से ऊपर था, और ITR भी अच्छी थी। ITR मतलब ये बैंक स्टेटमेंट के मतलब बैंक स्टेटमेंट इन्होंने देख के ही ITR बनवाई थी। वही मैं सबको बोलता हूँ यार, अपनी अगर आप वीज़ा लेना चाहते हो किसी भी कंट्री का, तो बैंक की स्टेटमेंट देख के ही ITR बनवाया करो, और आपके मतलब कोशिश करो कि सब कुछ जेन्युइन हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब जैसे भी आप इधर से उधर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसी के हिसाब से बैंक की स्टेटमेंट देख के ही ITR जरूर बनवाया करो। मैं तो सबको यही बोलता हूँ जब भी मुझे कोई भी कॉल करता है, तो ये चीज़ का आप भी ध्यान रखो। बाकी अकाउंट में आपका पैसा भी मेंटेन होना चाहिए, जैसे इनका था 5+ था, शायद ऊपर ही था, ठीक है, मतलब ऊपर 5+ बोल दिया तो ऊपर ही है। कहने का मतलब है अकाउंट में पैसा भी आपका हो, और आपका सारा जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह और आपका जो काम है, काम का तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये अब ये फिजियोथेरेपिस्ट थी तो एक हिसाब से डॉक्टर थी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आपके प्रोफेशन से भी अफेक्ट पड़ता है आपकी वीज़ा फाइल पर, कि मतलब आपका अगर अच्छा प्रोफेशन है, मतलब
आप कह सकते हैं टॉप क्लास का में अगर आपका प्रोफेशन आता है तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है वीज़ा लेने में भी। तो इनका भाई अभी एक हिसाब से ये डॉक्टर ही थे तो इनको वीज़ा अप्रूव हुआ है। और उसके अलावा ये इनका एक रिफ्यूज़ल था टर्की का और इनका एक बड़ी ट्रिप था सऊदी अरेबिया का। कमेंट में आपको बता दिया इतने पैसे थे, 6+ आप 5+ से ऊपर थे। और दूसरा ITR भी ठीक थी इनकी, 5 लाख के अराउंड इनकी ITR थी। और बस ये यही था इनका बस प्रोफाइल। बाकी जो है इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आज मेरी आम में बहुत दर्द हो रहा है, शायद कोई नस खिंच गई है जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में। तो मैं आपको फ़िलहाल अभी बता देता हूँ कि इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे। तो फ्रेंड्स इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थे वही 7 डेज की आइटनरी मैंने लगाई थी, जो मैंने अपनी लगाई थी वही इनकी लगा दी। तो 7 दिन की इनकी लंदन की आइटनरी थी। उसके बाद वही एयर टिकट लगाई गई थी, डमी टिकट हो गई। उसके बाद इनका रिजर्वेशन करवाई थी, होटल बुकिंग मतलब, और फिर इनका वो कवर लेटर। तो ये 4 चीज़ें बनाने में मैंने इनकी हेल्प की थी। बाकी जो वीज़ा फॉर्म हो गया और जो पेमेंट की रिसीट होगी और एक चेक लिस्ट, डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, बस यही डॉक्यूमेंट्स। और बाकी इनके जो अपने ITR के बैंक की स्टेटमेंट होगी और जो दूसरे इनके प्रोफेशन के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने लगाए थे। तो फ्रेंड्स यही सारा मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे, यही सारे डॉक्यूमेंट्स इनके लगाए गए थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से इनका वीज़ा 20 दिनों में अप्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारी चीज़ें हमेशा डिटेल में बताता हूँ, तो आप भी आपकी हेल्प के लिए ही बताता हूँ कि भाई आपको भी अगर आप भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो UK इस समय वीज़ा दे भी रहा है और आप अपना प्रोफाइल भी जेन्युइन ही लगाओ अगर है तो, आपका वीज़ा आने के काफ़ी चांसेस होंगे UK के। और इसके अलावा आपको और एक बात बताऊँ, UK के अलावा शेंगेन भी अच्छे वीज़े दे रहा है इस समय। मतलब पहले की रेशो अब कह सकते हो कि बढ़ गया, अब अच्छा रिजल्ट दे रहा है शेंगेन कंट्रीज भी, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। और अगर आप कोई एक दो कंट्री साउथ कोरिया जैसी ट्रैवल्ड हो, या कोई एक बार पहले भी अगर आप शेंगन गए हो या UK गए हो, या उसके अलावा टर्की वगैरह भी अगर आप गए हो, तब भी इस समय शेंगन वीज़ा दे रहा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि भाई आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, और आप भी अगर शेंगन या UK का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका सब कुछ जेन्यून है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर और किसी दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।